दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विराट प्रेडिक्शन में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2024 के 42वें मुकाबले के बारे में। कहां पर होगा मुकाबला, कैसा रहेगा पिच रिपोर्ट, कौन सा टीम किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है, कितने बजे से शुरू होगा मुकाबला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। यहां पर मिलेगा आपको सभी लिख के क्रिकेट मैच रिपोर्ट, जैसे IPL, BBL, PSL, T20I, ODI और भी सभी लिख के मैच प्रेडिक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी 98% एक्यूरेसी के साथ। तो बिना किसी देरी के अभी ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को। दोस्तों IPL 2024 का 42वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 26 अप्रैल शुक्रवार को खेला जाएगा और ये मुकाबला आपको शाम के 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में होगा ये मुकाबला। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हरा के आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला गुजरात से हार के आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं ईडन गार्डन कोलकाता के वेन्यू स्टेट्स के बारे में। यहाँ पर टोटल मैचेस 90 खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 38 मुकाबला जीती है और सेकंड बैटिंग करते हुए 52 मुकाबला जीती है और टाई यहाँ पर 0 मुकाबला हुआ है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर के बारे में। फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहाँ पर 165 रन है, हाईएस्ट स्कोर इस मैदान पे 235 रन, लोवेस्ट स्कोर 49 रन। अब बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। यहाँ पर 150 से नीचे का स्कोर 27 बार रहा है और 150 से 169 के बीच का स्कोर 19 बार रहा है और 170 से 189 के बीच का स्कोर 27 बार रहा है और 190 से ऊपर का स्कोर यहाँ पर 17 बार रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। यहाँ पर फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, अंगिकरीस रघुवंशी, श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे यानी कि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और सुयश शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में। तो दोस्तों ये सब प्लेयर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो सैम करन टीम की कमान संभालेंगे यानी कि कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद प्रभ सिमरन सिंह, रिले रूसो, जितेश शर्मा, लैम लिविंगस्टोन, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, अर्षदीप सिंह, हरप्रीत बरार, हर्षल पटेल, कागिसोर अबाडा और हरप्रीत सिंह भाटिया इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में। तो दोस्तों ये सब प्लेयर पंजाब किंग्स की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों के टॉप बैटर्स और बॉलर्स के बारे में। यहाँ पर टॉप बैटर सुनील नारायण ने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 286 रन बनाए हैं, फिलिप सॉल्ट कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 249 रन बनाए हैं, शशांक सिंह पंजाब किंग्स की तरफ से 195 रन बनाए हैं, श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 190 रन और आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 155 रन बनाए हैं अब तक। टॉप बॉलर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर हर्षल पटेल पंजाब किंग्स की तरफ से 13 विकेट, सैम करन पंजाब किंग्स की तरफ से 11 विकेट, अर्षदीप सिंह पंजाब किंग्स की तरफ से 10 विकेट, कागिसोर अबाडा पंजाब किंग्स की तरफ से 10 विकेट और आंद्रे रसल कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से 9 विकेट चटकाए हैं अब तक। अब बात करते हैं टीम कंपोजिशन ओवरऑल लास्ट 10 मैचेस के बारे में। यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 मुकाबलों में से 6 मुकाबला अपने नाम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने 10 मुकाबलों में से 2 मुकाबला अपने नाम किया है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 188 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 176 रन पंजाब किंग्स का। हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो 272 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 200 रन पंजाब किंग्स का। लोवेस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो 137 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का और 142 रन पंजाब किंग्स का। अब बात करते हैं इन दोनों की हेड टू हेड के बारे में। पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 31 मैच खेले हैं, जिसमें से 11 मुकाबला पंजाब किंग्स ने अपने नाम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने 21 मुकाबला अपने नाम किया है। एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 159.5 पंजाब किंग्स का और 160.8 कोलकाता नाइट राइडर्स का। मैक्सिमम स्कोर के बारे में बात करें तो 214 रन पंजाब किंग्स का और 245 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का। मिनिमम स्कोर के बारे में बात करें तो 119 रन पंजाब किंग्स का और 79 रन कोलकाता नाइट राइडर्स का। अब बात करते हैं ड्रीम 11 मैच प्रेडिक्शन के बारे में। यहाँ पर टॉस विनर पंजाब किंग्स रहेगी, तो वहीं मैच विनर कोलकाता नाइट राइडर्स रहेगी। दोस्तों फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन पे देखने को मिलेगा, तो बिना समय गवाए जल्दी से ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल विराट प्रेडिक्शन को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।